हम रखवाले, ताकत बदन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हिंदू मल कोट बॉर्डर पर मुस्तैद है बीएसएफ जवान। यहाँ भारत पाक सीमा पर दिन में होती तीन तरह की पेट्रोलिंग। इस बॉर्डर पर दिन में अपनाए जाते परंपरागत तरीके। बीएसएफ के लिए असल चुनौती रात को होने वाली घुसपैठ। रात के अंधेरे में पूरी तरह हाईटेक हो जाता है ये बॉर्डर। HHTI तकनीक से चप्पे चप्पे पर रखी जाती है नजर। रात के अंधेरे को चीर कर बॉर्डर को महफूज बनाती HHTI। किसी भी चौकी पर बीएसएफ की असली परीक्षा दिन की बजाय रात को होती है। रात को अपने गश्त सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में हिंदू मल कोट बीएसएफ चौकी कई नए काम कर रही है। खास तौर पे सुरक्षा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी तकनीक जो रात के अंधेरे में भी सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ, किसी भी गतिविधि को तुरंत देखकर अपने कंट्रोल रूम को रिपोर्ट कर सके और उस रिपोर्ट के आधार पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। दुनिया में जब सीमाओं की सुरक्षा की बात की जाती है तो इजराइल एक ऐसा देश है जिसका उदाहरण हमेशा दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमाओं पर इजराइल की तर्ज पर लेजर फेंसिंग लगाने की बात कही थी, लेकिन उस दिशा में काम अभी शुरू नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। उन्हीं में से एक है HHTI तकनीक, जिसका उपयोग भारत पाक सीमा पर हिंदू मल कोट में किया जा रहा है। HHTI का मतलब है हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। ये तकनीक हीट डिटेक्शन सिस्टम पर काम करती है। इसकी मदद से रात को भी सीमा पर दिन के उजाले की तरह ही नजर रखी जा सकती है और रात में तकनीक के दायरे में 3 से 4 किलोमीटर का क्षेत्र रहता है। किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या हलचल को डिटेक्ट करने में आसान रहती है और तकनीक इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस्तेमाल किया है जो दूसरी कंट्रीज से भी इम्पोर्ट किए हैं, मुख्यतः तो उसमें एक HHTI है जो कि थर्मल इमेजर पर काम करती है। इसका एक कंप्लीट ग्रिड हमारे पास है जिसमें किसी भी फ्लैप होने की संभावना ना के बराबर रहती है। बावजूद उसके जो नए सिस्टम है, सेंसर, लेजर बेस्ड सेंसर है, इंफ्रारेड बेस्ड सेंसर है और भी सर्विलेंस इक्विपमेंट्स है, वो हमारे पास आधुनिक अभी आ रहे हैं। इसके तहत हम ये कह सकते हैं कि वो आदमी की क्षमता को बढ़ा देते हैं। उपकरणों का अगर सही इस्तेमाल अगर हो जाता है तो एक आदमी की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि फिर कोई भी चांस फ्लैप होने का नहीं बचता है। सरहद की सुरक्षा के लिए बीएसएफ कोबरा वायर का भी उपयोग करती है। कोबरा वायर एक तरीके का हाई वोल्टेज करंट देने वाली तार है जो फेंसिंग के बीच बीच में लगाई गई है। पाकिस्तान की ओर से कोई घुसपैठिया फेंसिंग काटने का प्रयास करता है तो इस वायर से घुसपैठिए को इतना तेज करंट लगता है कि वो अचेत हो जाता है। इसका एक डेंटरेट इफेक्ट कोबरा वायर का डेफिनेटली जाएगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब ये हो जाएगा तो इसके अच्छे परिणाम अवश्य सामने आएंगे और एक बहुत अच्छा डेंटरेट इफेक्ट होगा। कोई भी इसको टच करने से पहले कई बार सोचेगा। सीमा पर रात के अंधेरे में दूर दूर तक फैले बियाबान पर नजर रखने के लिए सर्च लाइट और HHTI तकनीक के साथ ही बीएसएफ का डॉग स्क्वाड दल भी मौजूद है। डॉग्स को सीमा पर रात के अंधेरे में गश्त करने के लिए ही ट्रेंड किया गया है। सीमा पर रात के वक्त नजर रखने के लिए सर्च लाइट के अलावा एक और जो तरीका है वो डॉग स्क्वाड दल का है। इस समय आप देख सकते हैं, हालांकि अभी ये गश्त का जो दौर है वो दिन में चल रहा है, लेकिन रात को भी डॉग स्क्वाड दल जो है बीएसएफ का वो गश्त करता है। ये डॉग स्क्वाड दल का सदस्य है सीपी। किसी भी बीएसएफ के जवान की तरह ही काम करता है, उसी की तरह रैंक होती है, उसी की तरह फैसिलिटी सीपी को मिलती है। सीपी के जो ट्रेनर हैं के रोहिला, वो हमारे साथ हैं। रोहिला साहब, सीपी की भूमिका क्या रहती है खास तौर पे बीएसएफ की इस चौकी की अगर बात की जाए? ये सर आईपी का डॉग है, ये पेट्रोलिंग करता है। दुश्मन के इलाके में कोई भी इलाके में बंदा दिखाई देता है तो ये चुपचाप आके बैठ जाता है। रात में इसका ज्यादा महत्व है, दिन में तो सब दिखाई देता है। रात को ये सोंग के मतलब खुशबू लेके आदमी का पता लगा लेता है। बीएसएफ की ये तैयारियां साबित करती है कि देश की सीमाएं महफूज हैं, लेकिन फिर भी सीमा पार का दुश्मन हमेशा घात लगाए बैठा है। वहीं तस्कर भी इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे बीएसएफ की इस तकनीक का तोड़ निकाला जाए।
ऐसे में बेहद जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां वक्त के साथ तकनीक को अपग्रेड करती रहे ताकि हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई दुश्मन अपने पैर नहीं रख सके। कैमरामैन गोविंद शर्मा के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, बीएसएफ चौकी, हिंदुमलकोट, श्री गंगानगर।